सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के बारे में, जिसे लेकर अपडेट दिया है खुद टॉम हिडलसन ने। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि लोकी का कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर में मारा गया है थैनोस के हाथों, लेकिन फिर काफी सारे फैंस ने ये कहा है कि लोकी मर नहीं सकता और वो फ्यूचर में MCU की फिल्मों में नजर जरूर आएगा। वेल, कहने के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये MCU है जिसमें कोई भी सुपर हीरो या सुपर विलेन मर जाए तो वो फ्यूचर की फिल्मों में रिटर्न जरूर आता है। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने कहा था कि ये लोकी की फाइनल डेथ है, यानी हमें फ्यूचर की MCU की फिल्मों में लोकी नजर नहीं आने वाला है। और ऐसा ही टॉम हिडलसन को भी लगता है। जी हाँ, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि ये सफर लोकी का आखिरी सफर था और उन्हें ये बात 2016 में ही पता चल गई थी कि फ्यूचर की MCU की फिल्मों में लोकी जरूर मरेगा। और ये प्लानिंग थॉर द रैग्नारॉक में ही कर ली गई थी, जहाँ पर फिल्म के एंड में लोकी को मार दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ चेंजेस किए गए जिसके बाद मुझे जिंदा रखा गया ताकि मैं इन्फिनिटी वॉर के स्टार्ट में मरूं और लोगों को ये बता दूं कि असल में लोकी का कैरेक्टर बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। वो अब रिश्ते नाते भी समझने लगा है, इसलिए वो मरने से पहले अपने आप को ओडिन सन कहता है और लोकी का भाई भी। तो ये मोमेंट शायद काफी फैंस के लिए इमोशन भरा हो सकता है। और साथ ही साथ अब टॉम हिडलसन ने हमें भी कंफ्यूज कर दिया है कि फ्यूचर की फिल्मों में वो आएगी या नहीं, क्योंकि उनकी मौत MCU के सबसे बुरे विलन थैनोस के हाथों हुई है। वेल, तो आपकी क्या राय है टॉम हिडलसन की इन बातों पर, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कितनी पसंद आई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।